गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने प्लेटो की शिक्षा योजना, उसके सिद्धांत के बारे में चर्चा की। इसको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से प्लेटो ने अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन देख चुके हैं, प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा की अच्छाइयों को, गुणों को अपनाया और जो उसने दोष देखे उनको उसने दूर करने का प्रयास किया, उनको अपने शिक्षा में शामिल नहीं किया। दूसरा, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उसके अनुसार उसने स्पष्ट किया कि शिक्षा का जो क्रम है आजीवन होता है और अवस्था अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य, जो दार्शनिक आधार उसने प्रस्तुत किया, उसका जो मेन उद्देश्य था वह यही था कि व्यक्ति बाल्यकाल से लेकर प्रौढ़अवस्था तक निरंतर शिक्षा को ग्रहण करे। इसलिए उसने कहा, मस्तिष्क केवल एक ही आदर्श की ओर जाता है और वह सद्गुण की प्राप्ति। मस्तिष्क का कार्य ज्ञान की खोज करना है। ज्ञान के द्वारा विश्व की एकता का पता लगता है। अतः ज्ञान का उद्देश्य भी अच्छाई की खोज है। इसलिए उसने सत ही समस्त चीजों का आधार है, इस पर बल देने का प्रयास किया। जहां तक प्लेटो की शिक्षा के पाठ्यक्रम का प्रश्न है, उसे दो प्रकार, एक प्रारंभिक और एक उच्च शिक्षा, उसे दो आधार बताए। और इन आधार, एक अवस्था के आधार पर और एक वर्ग के आधार पर उसका वर्गीकरण किया। जहां तक प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न है, इसने बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था तक और ये दो वर्गों के लिए, उच्च वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए और शासक वर्ग के लिए उसने स्पष्ट किया। प्रारंभिक शिक्षा का जो उद्देश्य था वह प्लेटो के अनुसार भावनाओं का परिमार्जन कर चरित्र निर्माण करना, और उच्च शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान और ज्ञान द्वारा, साइंस और नॉलेज के द्वारा बुद्धि का परिष्कार करके विवेक को दिव्य दृष्टि प्रदान करना। कुछ प्रमुख तत्वों पर उसने बल दिया, जिसमें उसने पहली बात जो कही कि राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना, जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। कर्तव्य का ज्ञान देना इसकी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा देने वाले परिवारों की समाप्ति की जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। ये शासन की बागडोर उसने किसको सौंपी? दार्शनिक राजा। और दार्शनिक राजा कैसे तैयार किया उसने? शिक्षा के माध्यम से। इस भांति एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के उसने तीन भाग करे, 6 वर्ष से 18 वर्ष, 6 वर्ष 6 से 18 और 18 से 30। शारीरिक, साहित्यिक, संगीत, सारे के सारे विषयों को उसने शामिल किया ये प्रारंभिक शिक्षा में। जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न, हायर एजुकेशन का प्रश्न है, रिपब्लिक का सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था करना है। वह शिक्षा के द्वारा चुने हुए विद्यार्थियों को 20 और 35 वर्ष की अवस्था के बीच में संरक्षक वर्ग के उच्चतर पदों के लिए तैयार किया जाए। इसके दो स्तर बताए उसने, दो स्टेप बताए, 20 से 30 तक का प्रशिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण का। औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाता है। फॉर्मल एजुकेशन है वो 35 वर्ष की अवस्था में उसके अनुसार खत्म हो जाती है। परंतु संसार के व्यवहारिक अनुभव नहीं होने के कारण अगले
15 वर्ष की अवधि तक सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था की है कि बुद्धिजीवी दार्शनिक संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी 35 वर्ष की उम्र में उसने थ्योरेटिकल एजुकेशन की बात करी, और चूंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए 35 वर्ष की अवस्था के बाद उसने एक परीक्षा आयोजित करी, और जो उस परीक्षा में पास हो जाता है उसको दार्शनिक राजा बनने की बात करी। इस तरह 50 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने और लोक व्यवहार और विभिन्न शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सच्चे शासक बनने के अधिकारी हैं। जहां तक प्लेटो की शिक्षा की योजना के गुणों का प्रश्न है, मेरिट्स, उसमें उचित आयु में उचित शिक्षा की उसी व्यवस्था करी है कि बच्चा किस आयु का है और इस आयु में किस प्रकार की इसको शिक्षा की आवश्यकता है, इसको उसने बताने का प्रयास किया। मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक ये फैला है पाठ्यक्रम, और शिक्षा की अवधि भी इसी तरह जीवन प्रयत्न व्यापक है। प्रत्येक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है। सबसे बड़ा गुण संगीत का सदुपयोग है। प्लेटो संगीत की महान शक्ति का विकृत रूप संपूर्ण समाज को भ्रष्ट कर सकता है, और उसका सदुपयोग समाज को नैतिक उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। अतः वह कला एवं संगीत पर राज्य के नियंत्रण का पक्षपाती है। स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं है शिक्षा का, ये उसने एथेंस से ग्रहण किया। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। वे दर्शन शास्त्र और बौद्धिक शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों को उत्पन्न करना चाहता है, क्योंकि उसकी धारणा थी कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं होंगे, तब तक इस समाज की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। वह उचित शिक्षा द्वारा ऐसे शासकों का निर्माण करना चाहता है जिसके द्वारा आदर्श शासकों का राज्य विद्वान संतों का राज्य हो जाए। तो इस प्रकार से उसने एक दार्शनिक राज्य के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जैसा कि अपन जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो प्लेटो की शिक्षा की कुछ आलोचनाएं भी हमारे सामने दिखाई दी। नंबर वन, सबसे पहले जो आलोचकों ने इसकी करी आलोचना कि उत्पादक वर्ग को कोई विशेष स्थान नहीं दिया। जो तीन वर्ग बताया, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, दार्शनिक राजा का वर्ग, तो दोनों वर्गों के लिए तो शिक्षा अनिवार्य है, उत्पादक वर्ग को इससे वंचित करा, और यह व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत समानता की बात करता है। गणित की आवश्यकता से अधिक महत्व और तुलनात्मक दृष्टि से साहित्य की उपेक्षा, उसने जो गणित को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दी और जो लिटरेचर है उसकी उसने उपेक्षा करी, ये भी गलत हुआ। तीसरी आलोचना, प्लेटो ने कवि और कलाकारों को राज्य के शिकंजे में पकड़ने का प्रयत्न किया। इस प्रकार का नियंत्रण कला के स्वतंत्र विकास में बाधक है। कला की सृजनात्मकता के लिए स्वाधीनता पहली शर्त है। उसकी इच्छा है कवि और कलाकार की किस प्रकार के अपने कला का प्रदर्शन करें, लेकिन प्लेटो ने उसको बांध रखा है। शिक्षा योजना में विविधता नहीं है। प्लेटो ने राज्य की एकता के लिए व्यक्ति की विविधता का की बलि चढ़ा दी। यानी जो विषय है वो विविध प्रकार के लिए उसने विषयों को बांधने का प्रयास किया, जो व्यक्ति की एकता के लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए जरूरी था। नेक्स्ट, राज्य द्वारा संचालित होने के कारण शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए विकास था। कि राज्य द्वारा नियंत्रित, राज्य द्वारा ही
अनिवार्य व्यवस्था की शिक्षा की प्लेटो ने, जो आलोचकों के अनुसार ये भी सही नहीं है। और प्लेटो ने जो शिक्षा का जो क्रम लंबा बताया वो भी आलोचकों के अनुसार बहुत अधिक लंबा है। अधिक समय तक अधिक आयु में शिक्षा ग्रहण करना असंभव सा दिखाई देता है। स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा पर दोनों की प्रकृति और भावनाओं में भी अंतर होता है, ऐसा आलोचक कहते हैं। लेकिन आलोचनाओं के बाद यदि हम देखें तो प्लेटो की शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। प्लेटो की शिक्षा योजना बहुत अधिक उपयोगी है। इसने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बताया और सभी वर्गों के लिए शिक्षा की जो बात करी वह बहुत अधिक उपयोगी है। धन्यवाद।